नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस पर खास खबरें। रामनगर में सीएम हाउस के निकट एक पार्क में एक अज्ञात युवक का 18 जून को शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के शव गृह में रखा गया था। मृतक की पहचान रामनगर के वरुण सचदेवा के रूप में हुई थी, जो पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया गया था। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए मृतक वरुण के दो साथी, जो पुलिस के शक के दायरे में थे, उनको गिरफ्तार करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। यह जानकारी सिटी थाना प्रबंधक हरजिंदर सिंह द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि 17 जून को देर शाम आरोपियों द्वारा फोन कर मृतक वरुण सचदेवा को घर से बुलाया गया, जो उसके साथ डीजे टीम के साथ नौकरी लगवाने को लेकर बातचीत की गई। वह उसके बाद उन तीनों ने खूब शराब पी। शराब पीने के बाद वे तीनों सीएम हाउस के नजदीक अग्गी पार्क में ही सो गए और कुछ देर बाद उठने के बाद उनके बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई, जिससे गुस्से में आए दोनों आरोपियों ने उसके कपड़े फाड़ दिए और एक के बाद एक उसके सिर पर ईंटों से वार कर उसे मार डाला। आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा। 19 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग एक डेड बॉडी मिली थी रामनगर अग्गी पार्क में से। एक सुबह 18 तारीख को सुबह एक डेड बॉडी मिलती है, जो कि एक उस टाइम आइडेंटिफाई डेड बॉडी नहीं थी, जिसे पुलिस द्वारा उस दिन कब्जा में लेकर और डेड हाउस रख दिया गया था। पर बाद में आफ्टर पोस्टमार्टम वो एक मर्डर में तब्दील हो गई थी। एक मर्डर था जो कि 19 तारीख को मर्डर का मुकदमा दर्ज हुआ था, जो एक ब्लाइंड मर्डर था, जिसमें पुलिस उसी दिन से बड़ी मुस्तैदी से बढ़िया काम करते हुए उसमें लगातार उसकी सर्च में थी, जो कि एक सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन पर पुलिस ने कल उस आज मर्डर को मतलब कि ट्रेस आउट कर दिया है और उन लड़कों को अरेस्ट कर लिया। ये लड़का जो था ये डीजे में काम करता था, कोई डीजे वाला ही इसको एक नेक्स्ट डे अपने साथ काम पर ले जाने के लिए लेने आया था, और जो इसको रात इसने काम पर जाने के लिए मना कर दिया, बट इसको अपने साथ ले गए थे, जो कि रात पार्क में बैठ गए और वहाँ बातचीत करते हुए रात जैसे बरसात आई तो पार्क में एक छतरी बनी हुई जिसके नीचे ये रेस्ट करने के लिए लेट गए, और वहाँ रात को बातचीत में इनकी किसी बात के लिए कहा सुनी हो गई और आपस में गाली गलौज और लड़ाई तक उतारू हो गई, जिस लड़ाई को ये अंजाम दे दिया कि इन्होंने हाथापाई करके उस लड़के को गला दबा के गिर दिया। बेहोश होने के बाद फिर ईंट मारकर उसका मर्डर। नहीं, ऐसा नशा वगैरह हो सकता है, बट ऐसा कोई नशा और ये हो कोई मेडिकल में किसी प्रकार का कुछ नहीं आया। इन्होंने होश वाश में किया है। आपसे कहा सुनी और गाली गलौज। आपस में दोस्त हैं क्या? हाँ, एक जो ध्रुव है इसका ये दोस्त था, और सेकंड का ध्रुव उसका दोस्त था, उसने आगे ध्रुव को उससे मिलाया था जिसका मर्डर हुआ। हाँ नहीं, ऐसा कोई गलत कार्य नहीं, ये इन्होंने एक इनकी आइडेंटिफिकेशन खत्म करने के लिए, किसी पहचान ना हो जाए ये क्या था, इस कारण से इन्होंने बाद किसके कपड़े उतार कर भी दूर फेंके। कई बार क्यों कैसे मतलब वारदात को अंजाम कैसे दिया? हाँ, ईंट से, एक वहाँ पर जो एक ब्लॉक ईंट पड़ी थी उसी से इन्होंने सिर फोड़ के और मर्डर किया था। क्या करोगे? इनका मर्डर का मुकदमा उसी दिन दर्ज हो गया था, जो कि आज उनमें से एक लड़की को अरेस्ट करके अभी जुडिशियल बचा दिया, दूसरा भी जुडिशियल में है। एक नाबालिग है और एक मैच्योर है, एक का नाम गुरमीत है और सेकंड ध्रुव है, जो दोनों शिव कॉलोनी के रहने वाले हैं। अरेस्ट कर लिया है, आगे कार्रवाई जारी। पेश कर दिया उन्होंने।